हमको 27 और 14 नहीं चाहिए, हमको जितनी आबादी है उतना हमको चाहिए, और उतना हमको जब चाहिए जब हम तैयार होंगे। मैं चूंकि राष्ट्रीय शूद्र संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तो ये कहता हूँ आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़े वर्ग के द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। जबलपुर में आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़े वर्ग के द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर गेट नंबर 6 रेलवे स्टेशन के पास राजा शंकर साह रघुनाथ साह की प्रतिमा स्थल के पास बैठकर कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले केंद्र में बैठी सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ऐसी पिछड़ा वर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे बीजेपी की, दोनों ही सरकारों ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का शोषण किया है। अब पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम सभी को जागरूक करेंगे और दोनों ही सरकारों को पिछड़ा वर्ग के लोगों की ताकत का आने वाले चुनाव में एहसास कराएंगे। वहीं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ खान से बात करते हुए राम रतन यादव वर्जो की वरिष्ठ समाज सेवी हैं और साथ ही वहीं बैजनाथ कुशवाहा जो की सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने हमारे पत्रकार से बात करते हुए कहा, प्रचार करें और जगह जगह इस बात की घोषणा करें कि ओबीसी के हित की बात करना है तो जगह जगह जाना होगा और जगह जगह जन समर्थन जुटाने के लिए आपको आगे आना होना। जय हिंद, जय भारत। पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है, मेरा ख्याल यहाँ बैठा एक एक आदमी अच्छे से उसको समझता है और जानता है, और कैसे धोखा हो रहा है ये भी अच्छे तरह से समझता है और जानता है। हम लोग कैसे कार्यक्रम बनाए जो इनको नेताओं को जगाने में प्रभावी हो। सभी बुद्धिजीवी लोगों ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अखबार में कल छपा है, हम जबलपुर संस्कार धाने के लोग जितने हम लोगों की हैसियत है क्षमता है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं किसी कारण से, परंतु जब भी कभी कोई ओबीसी के अधिकार की बात आई है तो उन लोगों ने अपना फर्ज निभाने का काम किया है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर जो है जाति जनगणना जिस हिसाब से हिंदुस्तान में 1931 के बाद नहीं हुई, गुलाम देश में जाति जनगणना हुई थी, आज़ाद देश में जाति जनगणना नहीं। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर मांग करता है भारत के प्रधानमंत्री से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कि देश में 100% आरक्षण लागू कर दिया जाए। जिन वर्गों की जाति वर्गों की जितनी जनसंख्या है उनको उतना हिस्सेदारी दी जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र, पूरा 100% आरक्षण लागू करो आप। और अगर मान लो ब्राह्मणों की संख्या 25% है तो उनको 25% आरक्षण दे दो। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या मान लो 60% है तो 60% दे दो। महिला आरक्षण भी लागू करो, पूरा आरक्षण लागू करो। आज जो आजाद देश में है उसको सरकारें गुलाम बनाए हुए हैं और पिछड़े वर्ग के लोग आज भी आजादी का जो मतलब है उन तक नहीं पहुंचा है। वो आज भी रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है, उनका हर जगह शोषण हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं जबलपुर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से कि पूरा 100% आरक्षण लागू हो और जिस जात की जितनी जनसंख्या हो उसको उतना हकदारी हर क्षेत्र में दी जाए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।